इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इसी हमारी वीडियो का। देयर आर 154 बॉयज एंड 126 गर्ल्स इन अ स्कूल, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन इन द स्कूल आल टुगेदर। अब वो कहते हैं इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक स्कूल में 154 बॉयज लड़के हैं और 126 गर्ल्स लड़कियां हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल आल टुगेदर, स्कूल में कितने स्टूडेंट्स एक साथ हैं। अब ये हमें पता करना है कि एक साथ इकट्ठे कितने स्टूडेंट्स हैं स्कूल में। गिवन डेटा 154 बॉयज़ इन अ स्कूल एंड 126 गर्ल्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में 154 बॉयज़ हैं और 126 गर्ल्स हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर ऑल टुगेदर इन द स्कूल, ये हमें मालूम करना है। सोल्यूशन 154 बॉयज़ 126 गर्ल्स इन अ स्कूल, ये हमारे पास भी क्वेश्चन 100 टेंस और वंस वाला है। इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे थ्री कॉलम्स में। फर्स्ट हमारे पास कॉलम है वंस कॉलम, ऐड वंस करेंगे थ्री स्टेप्स में। अब बच्चों ये मज़े की बात यह है कि हमने पहले भी ये क्वेश्चंस किए हैं और उसमें यही फ़र्क सिर्फ होता है कि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ, इसमें ये फ़र्क होता है कि ये भी बस सिर्फ उसी तरह है 100 टेंस और वंस वाला, और इसमें सिर्फ गिवन डेटा वगैरह देते हैं और सोल्यूशन के तौर पे लिखते हैं, लेकिन अंदर से वो इसी तरह ही सॉल्व होते हैं। अब ये भी थ्री कॉलम्स में हैं और थ्री स्टेप्स में सॉल्व होंगे। अब ऊपर भी इसमें थ्री डिजिट्स हैं और नीचे भी थ्री डिजिट्स हैं। अब फर्स्ट हमारे पास है एड वंस करेंगे 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 कैसे करेंगे, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 6 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या आया है, 10। अब हम लोग 10 इस तरह राइट नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले बताया यूनिट और टेंस में आ जाता है। सबसे पहले हम राइट साइड वाला लिखेंगे यूनिट, यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा और टेंस वाला 1 कैरी कर देंगे टेंस वाले कॉलम में, ठीक है ना। अब इसी तरह हमारा नेक्स्ट स्टेप है ऐड टेंस करेंगे और इसमें 5 प्लस 2 है, ठीक है। 5 प्लस 2 कैसे करेंगे, 5 लाइन्स करेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 एंड 2 2 नीचे है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बच्चों नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 हमारे पास कैरी भी है, इसको हम लोगों ने भी ऐड करना है साथ में ना, तो ये हमारे पास कैरी वाला गया। तो 7 प्लस 1 8, 8 हम लोग फिर अब लिखेंगे टेंथ वाले कॉलम में, 8 आ गया है। अब हमारे पास थर्ड स्टेप कौन सा था कि ऐड 100 करेंगे, तो यहाँ पे फिर लाइन लगा दें कि 100 वाले में 1 1 है और प्लस 1 1 1 प्लस 1 2, कोई कैरी नहीं है ऊपर नीचे, सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस 1 2। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं कि एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। पहले मैं पता था ना कि बॉयज़ 154 हैं और गर्ल्स भी 126 हैं, लेकिन टोटल स्कूल की जो तादाद है, टोटल स्टूडेंट्स हैं, वो हैं 280। आंसर आया है 280 आंसर आया है। यहाँ पे बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन भी ख़त्म होता है और हमारा एडिशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके लेक्चर 4 बने हैं, 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर और 4 लेक्चर, 4 लेक्चर्स हैं एडिशन वाले हमारे चैप्टर के, और यहाँ पे हमारा एडिशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब बच्चों आप लोगों ने इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, एक एक क्वेश्चन को मैंने अच्छी तरह आपको समझाया है और आप लोगों ने भी इसी तरह ही सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप लोगों का जो चैप्टर है एडिशन का, वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाए।